ये मस्जिद अस्करी जो है ये पहली मस्जिद बेंगलोर के अंदर आले तशियो की जो है जिसकी बुनियाद जो है तकरीबन 200-250 साल पहले जो है डाली गई है। ये आगा अली असकर बोल के सर मिर्ज़ा इस्माइल साहब के दादा थे उनकी इसमें 1936 में यहाँ पर अंजुमन रजिस्टर हुई सोसाइटी एक्ट में। उसके बाद जो है एक छोटा सा हिस्सा बना था इसमें से, समझो कि एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा उस टाइम पे मैं समझता हूँ 100 या 150 लोग मोमिनीन जो है यहाँ पर बेंगलुरु में मुखीम थे। तो उसके बाद फिर जो है एक बार और तवसु हुई, मतलब उसको शहीद नहीं किए गए, फिर उसको एक्सटेंशन किया गया, फिर भी वो शॉर्टेज पड़ी। तो अब जो है ये तीसरी बार जो है मस्जिद अस्करी का जो है एक्सटेंशन हुआ है। तो उसी अभी तो मेरे ख्याल से तकरीबन 3000 लोगों तक 3 फ्लोर से भरपूर होना चाहिए इंशाल्लाह। अब ये कोरोना की वजह से जो है थोड़ा ये है, इसके लिए जो है सारे मुसलमान जो है डोनेशन दिए हैं, सारे दुनिया से भी जो है कुछ ना कुछ चंदा दिए हैं। उन कितना इसका खर्च हुआ है सर? तकरीबन एस्टिमेटेड है 5.5 करोड़ का, तकरीबन एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम है तकरीबन। तो क्या इसकी खासियत क्या है सर? मस्जिद पुरानी मस्जिद है, मोहल्ले में मस्जिद है, बेंगलुरु के सेंटर में तामीर हुई है, वही जगह की शॉर्टेज थी, शॉर्टेज की वजह से एक्सटेंशन किए हैं। जो ये आप जो इसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो क्या है? हमारे जनाब सज्जाद खान साहब जो है इसके आर्किटेक्ट हैं। बेंगलोर में नहीं, पूरे कर्नाटका में काफ़ी मस्जिदें बनाए हैं, जैसे कि कुल अल खुद्स में मस्जिद है, वो बनारगटा में कौन सी मस्जिद है, वो बिलाल मस्जिद है, काफ़ी मस्जिद बनाने हैं। उन्होंने ही आर्किटेक्ट इसका लिए डिज़ाइनिंग ली है, नहीं एक्सटेंशन है बस, कंस्ट्रक्शन कास्ट है, ऐसा खसूसियत कुछ भी नहीं है, मस्जिद का एक्सटेंशन है, नई मस्जिद नहीं है। तो नई मस्जिद का जो है जदीदकारी के बाद इफ्तिताह कब होने जा रहा है? इंशाल्लाह 14 तारीख को जो है 3 बजे इसका इफ्तिताह होएगा। हमने हारिस साहब को MLA साहब को इन्वाइट किया है, बॉम्बे से जो है अहमद अली मौलाना बोल के आ रहे हैं और यहाँ के लोकल मौलाना रहेंगे और लोकल अंजुमन्स रहेंगे, उनके यहाँ से 3 बजे जो है इफ्तिताह होगी इसके। इंशाल्लाह जो है शाम में जो एक जश्न रखा गया है।